हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदिल खान है। मैं सारनी में रहता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरा काम है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। और अभी आजकल हमारे यहाँ जो मेन टॉपिक जो गर्मा गर्मी में चल रहा है वो यही है कि टाइगर का इशू चलता रहता है पूरे टाइम पे। टाइगर कहाँ गया, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, उसको लेके कई सारी अफवाहें भी चल रही हैं। तो आज हम 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसी को लेके डिस्कस करेंगे। क्या बातें गलत हैं, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉरेस्ट वाले क्या कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर की सुबह, जब कुछ लोगों को रस्टी स्पॉटेड कैट का, जो एक बिल्ली होती है, उसका बच्चा मिला था। तो उन लोगों ने मुझे सुबह सुबह कॉल करा और मुझसे पूछा कि मुझे फोटो भेजे और पूछा आप बताइए क्या है। तो मैंने उन लोगों को तभी इन्फॉर्म कर दिया था कि एक वाइल्ड कैट का बच्चा है, रस्टी स्पॉटेड कैट है। फिर इसके बाद फॉरेस्ट वाले आए थे, वो भी उन लोगों को कन्फर्म करके गए थे कि ये जो है रस्टी स्पॉटेड कैट है। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं ये तो शेर का बच्चा है, तुम लोग गलत बोल रहे हो। इसके बाद ऑनलाइन न्यूज़ में भी आ गया था कि ये रस्टी स्पॉटेड कैट है, शेर का बच्चा नहीं है। फिर होता क्या है कि असली में शेर हमारी सिटी में आता है, तो अपर रेस्ट हाउस के पास कुछ लोगों को दिखता है जहां पर बिल्ली का बच्चा मिला था वहीं पर। तो लोगों ने जब खबर होती है दूसरे लोगों को तो सब यही सोचते हैं कि यार ये भी र्यूमर होगा, अफवाह होगी, इन्होंने सुबह भी शेर का बच्चा बोल के बुला लिया था और बिल्ली का बच्चा निकला था। तो इस गलत फहमी के चलते किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और वो जो टाइगर है अपर रेस्ट हाउस के बाजू से होता हुआ हमारी सिटी के बीच में घुस गया। एवी टाइप और 1 नंबर गेट के बीच का जो जंगल है, वंशरी गार्डन और गैस गोदाम के बीच में जो मेन एरिया आता है दलदल वाला और घास वाला, वहां पर वो टाइगर घुस चुका था। उसके बाद और भी लोगों को वो टाइगर दिखा, फिर उन्होंने फॉरेस्ट को खबर करी तो फॉरेस्ट के कुछ एक टीम आ गई जो बराबर उसमें निगरानी रख रही थी कि है कि नहीं है। उसके बाद जब उन लोगों ने देख लिया कि हाँ यहाँ पर तो सच में टाइगर है, तो पूरा पुलिस प्रशासन सब आ गया। जो बैतूल से हमारे बड़े अधिकारी भी आ गए थे, DFO मैम और बाकी के जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा स्टाफ है आसपास के एरिया का, रानीपुर, बैतूल, शाहपुर, सारनी, वो सब लोग आके वहां पर उन लोगों ने घेराबंदी कर ली थी। इसके बाद हुआ ये कि लोगों का बिल्कुल भी, लोग कॉपरेट करने को तैयार नहीं थे। जहां भी उन लोगों को पता चला था कि टाइगर है वहां पर लोग पहुंच जा रहे थे, जिस वजह से डिपार्टमेंट को काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। 1 दिसंबर को तो पूरा दिन सर्चिंग चलती रही, बस वो एक ही बार दिखा था, उसके बाद दिखा नहीं किसी को। फिर 2 दिसंबर को भी पूरा दिन सर्चिंग चली, कहीं मिला नहीं। फिर 2 दिसंबर की शाम को लगभग 5:30 बजे जो वंशरी गार्डन के सामने वाला एरिया है वहां पर वो टाइगर स्पॉट हुआ। तो वहां पर वन विभाग की टीम मौके पर ही पहुंच गई थी, मैं भी उन्हीं के साथ था। टाइगर हमारे सामने आया, थोड़ी देर वहां पर बैठा और फिर वापस अंदर चला गया। इस बीच लोगों को पता चला तो वहां पर पूरे लोगों ने भीड़ लगा ली थी। फिर उसके बाद भीड़ को कंट्रोल में करके सबको हटाया गया और एहतियात के तौर पर रास्ता बंद कर दिया गया कि कोई हादसा ना हो जाए। इसके बाद फॉरेस्ट ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करा, कुछ ट्रैपिंग के लिए पिंजरे लगा दिए और टीम लगा दी, पूरी तैनात कर दी, कैमरे लगा दिए, हर तरह से फॉरेस्ट जो जो अपने लेवल पे कर सकता था उन लोगों ने वो सब ट्राई करा। 3 दिसंबर को टाइगर के लिए वो लोग जद्दोजहद करते रहे कि किसी तरह से टाइगर को पकड़ लें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर 4 दिसंबर को भी कोशिश जारी थी, STR की टीम भी आ गई थी, सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, पिंजरे भी लगा दिए थे, कलेक्टर SP ने हमारी सिटी का दौरा पहले ही कर लिया था। तो इतना कुछ हो जाने के बाद लोग कहीं से भी कॉपरेट करने को तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि इतना सीरियस मैटर है, पर लोगों का बिल्कुल कॉपरेट करने का कोई इरादा था नहीं। वहां पर जैसे ही लड़कों को पता चलता है कि कहीं टाइगर है, वो लोग जंगलों में घुस जाते हैं। इससे होता ही बड़ा नुकसान जो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि हमें टाइगर दिख जाएगा तो हमें करना क्या है। वो टाइगर कोई बिल्ली नहीं है, जंगली जानवर है वो। आप उसके एरिया में जाओगे, उसको परेशानी होगी तो वो आप पे हमला कर देगा। आपको ये भी नहीं पता टाइगर को देख के करना क्या है, टाइगर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, हम कितनी स्पीड से भागेंगे, कुछ भी कोई बेसिक नॉलेज है नहीं किसी को। और बस जहां टाइगर दिख रहा है वहां घुस जा रहे हैं ढूंढने के लिए उसे। उसकी वजह से डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो उसके पगमार्क होते हैं या बाकी के जो एविडेंस होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं लोगों के जाने की वजह से। और अगर टाइगर वहां होता है तो वो भी डर के कहीं और भाग जाता है। इसके बाद 4 दिसंबर की रात को टाइगर मेरे घर के पास आया, ओल्ड वी 24 में मैं रहता हूँ, एवी टाइप में। हम लोगों के घर के पास आया तो कुत्तों का जो एबनॉर्मल बिहेवियर था उसको देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि टाइगर यहीं पर है।
धारा 144 भी लगी हुई थी उस दिन शाम में, 4 दिसंबर की शाम में धारा 144 लग चुकी थी सारनी में। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि टाइगर आ गया है। फिर फॉरेस्ट की टीम भी आ गई थी, हम लोग उसके लोकेशन पे पहुंचे ही थे सर्चिंग करने के लिए कि कुछ लोगों ने घबरा के बम फोड़ दिया। तो वो बम फूटा, टाइगर जंगल से थोड़ी सी दूरी पे था, बस वो निकल जाता, पर लोगों ने बम फोड़ा तो वो डर के फिर वापस रिटर्न हुआ और मेरे घर के बाजू से होता हुआ A3 A2 A1 के सामने से होता हुआ वो वंशरी के सामने से वापस डैम के बीच वाले एरिया में चला गया जहां वो पहले था। उसके बाद फिर वो एश डैम की तरफ निकल गया और अगले 2 दिन 5 और 6 तारीख को इसके कोई एविडेंस सिटी में नहीं मिले। टीम ने काफी सर्चिंग करी, हाथियों से भी सर्च करा, सब कुछ ट्राई करा, पर वो कहीं मिला नहीं सिटी में। सिटी के बाहर कुछ जगह उसका मूवमेंट हुआ था तो फॉरेस्ट की टीम जो है बाहर की तरफ चली गई। फिर होता है कि कल यानी 7 दिसंबर की शाम को कुछ लोगों को वो शांतिनगर में दिखाई देता है, तो उन लोगों ने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने की जगह वहां पर भीड़ लगा ली। वहां पर कम से कम धारा 144 लगी हुई थी, उसके बाद भी कम से कम 300 लोग रोड पर खड़े हुए थे और कुछ लोग हमारे यहाँ के इतने बहादुर थे कि वो स्पॉट के जगह पे पहुंच गए, लोकेशन भी पहुंच गए जहां टाइगर दिखा और झाड़ियां हटा के ढूंढ रहे हैं कि टाइगर कहाँ है। यार ऐसे में टाइगर आराम से अटैक कर देगा और फिर आप लोग कल को लड़ने आ जाओगे कि नहीं टाइगर ने अटैक कर दिया, टाइगर ने मार दिया। उससे होगा ये, एक तो जो इंसान की जान जाएगी वो तो सबसे बड़ा लॉस है, उससे बड़ा कोई लॉस हो नहीं सकता। इसके बाद जो है उस जो एनिमल है वो टाइगर है उस पर भी क्या लग जाएगा कि उसने इंसान को मार दिया, ये इल्जाम उस पर लग जाएगा। उसके बाद उसको या तो बेहोश करके पकड़ के जू में डाल देंगे या फिर उसके साथ कुछ और होगा, उसकी मतलब पूरी आजादी खत्म हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि वो बाकियों के लिए भी खतरा बन जाएगा। तो इसलिए बस मैं बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कहीं पता चल रहा है यहाँ टाइगर है वहां आप खुद मत जाओ, आप फॉरेस्ट को भेज दो, फॉरेस्ट के साथ जो लोग हैं वो जाएंगे वहां पर सर्चिंग करेंगे, कुछ होगा तो एविडेंस उनको मिल जाएंगे, वो पुष्टि कर देंगे कि यहाँ पर टाइगर है। पर होता ही है कि अब तो लोगों ने खेल बना लिया है, कोई बोलता है कि 9 बजे मुझे 1 नंबर गेट पे दिखा था, कोई बोलता है 9 बजे छतरपुर खदान पे दिखा था, तो इस वजह से टीम को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। वो उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी है, वो सब जगह जाके सर्च करते हैं पर मिलता कुछ नहीं है। अगर एक जगह से टाइगर गया है तो वहां से उसके पगमार्क तो मिलते ही है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उतने एरिया में सर्चिंग करी जाती है, वहां से कहीं ना कहीं से उसके पगमार्क मिल जाते हैं। पर ज्यादातर जगहों पर अभी ये हो रहा है जहां लोगों को दिख रहा है ना, उनके पास कोई फोटो होता है ना वीडियो होता है ना वहां पर पगमार्क मिलते हैं। और उसके बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब भी डिक्लेयर करेगा, जब उसको या तो खुद आंखों से दिखे या कोई फोटो मिले या फिर कोई पगमार्क मिले, जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक उन लोगों को अथॉरिटी नहीं है कि वो डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर टाइगर था। हम सबको पता है हमारी सिटी के आसपास मूवमेंट है, पर हम लोगों को इसके लिए डिपार्टमेंट को सहयोग करना होगा। अगर कहीं दिख रहा है, सही में अगर हमें दिखा है, तो हमें बताना चाहिए कि हाँ यहाँ पर टाइगर है, वहां पर टीम आएगी सर्च करेगी, बाकी लोगों को नहीं जमा करना है वहां पर। आप सीधे अपने यहाँ के पार्षद को बता दो या पुलिस को बता दो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो, वो लोग आएंगे चेक करेंगे, होगा तो फिर उसके लिए आगे जो जरूरी एक्शन होगा वो लेंगे। अब जो मेन टॉपिक है वो ये, कई लोग मुझसे सवाल कर चुके हैं कि भाई शेर को बेहोश क्यों नहीं कर रहे, ट्रैंकुलाइज क्यों नहीं कर रहे, उसको बेहोश करके पकड़ के लेके क्यों नहीं जाते हैं ये लोग यहाँ से। तो ऐसा है कि शेर के साथ बहुत सारे मसले होते हैं। एक तो पहली बात ये कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है और शेड्यूल 1 का एनिमल है। और दूसरी चीज यह है कि जैसे टाइगर को अगर बेहोश करना है तो उसको जब करा जाता है, जब वो एकदम लोगों सिटी में घुस के बहुत उत्पात मचा रहा हो, लोगों पे हमला कर रहा हो और जीना मुश्किल कर दिया हो सबका, तब उसको बेहोश करा जाता है। पर ये जो टाइगर है ये तो किसी इंसान को कुछ करता ही नहीं है, कुछ इंसानों के बाजू से भी निकल के गया, उसने कुछ नहीं करा, और इंसानों को देखता है, गाड़ियों को देखता है तो डर के भाग जाता है। बल्कि मैंने तो कई जगह देखा कि लोग गाड़ियों से उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहां भी खबर मिलती है कि टाइगर है वहां लोग गाड़ियों से पहुंच जाते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो अपने आप में एक क्राइम की श्रेणी में आता है, वो क्राइम है। आप टाइगर का पीछा कर रहे हो, आप लाइट मार के उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो सब ऑफेंस में आता है, क्राइम है वो। पर हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं समझ में आता, तो वो लोग उस चीज को फॉलो करते रहते हैं और कंटिन्यू वही काम करते हैं जिसके लिए उनको मना करा जाता है। तो अब रही बात बेहोश करने की, बेहोश करने का प्रोसीजर ये रहता है कि जैसे अगर कोई जानवर बहुत खतरनाक है, आदमखोर हो गया है या उसने सिटी में बहुत उत्पात मचा के रखा है, तब उसको बेहोश करा जाता है। उसका ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है, PCCF है, उनके थ्रू ऑर्डर आता है, ऊपर से पूरा अधिकारी होते हैं, वो मीटिंग होती है, विशेषज्ञों की टीम बैठती है, वो लोग पूरा एनालाइज करते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है, उसके बाद वो वहां पर ट्रैंकुलाइज करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन लेते हैं। तो ट्रैंकुलाइज करने के 20 मिनट के अंदर अंदर उसको एंटीडोट देना पड़ता है, नहीं तो उस जानवर की जान जा सकती है।
और अपने यहाँ कंडीशन ऐसी है कि पूरी घास लगी हुई है, दलदल है, राख वाला पानी है, जिसमें टाइगर को ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया और वो दलदल में घास में कहीं जाके बेहोश हो गया या पानी में बेहोश होकर डूब गया तो उसकी जान जा सकती है। इस वजह से उसको अभी ट्रैंकुलाइज नहीं करा जा रहा है। कोशिश ये करी जा रही है कि पिंजरे लगा दिए ट्रैपिंग के लिए कि उसको पकड़ लें या उसको सिटी से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो भूले भटके यहाँ पर आ गया है। अब वो भूले भटके आ गया है तो उसको सिटी से दूर भगाया जा सकता है, वो वापस जंगल में चले जाएगा, वो खुद ऐसे एरिया में नहीं रहेगा जहां पर लोग उसको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो वो खुद नहीं रहेगा, निकल जाएगा यहाँ से। पर हम लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई तरह के मैसेज चल रहे हैं, कोई मरी हुई गाय शेर खा रहा है उसके फोटो डाल रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है रोड पे से शेर क्रॉस होता है, गाड़ी के पास आता है, वो निकल जाता है, एक वीडियो में जंगल के पास से शेर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही कई तरह के बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं। एक 2.5 मिनट का वीडियो है, गाड़ी उसका पीछा करते आ रही है, टाइगर जाता आ रहा है, ये सब वीडियो टोटल फेक है। सिर्फ अभी तक के जो 2 ऑथेंटिक वीडियो आए हैं, एक वो जो धन्यवाद का बोर्ड लगा हुआ है राखण नाले के पास, वहां से जा रहा है वो फोटो आया है, और उसी टाइम का एक वीडियो भी आया है। वो फोटो और वीडियो वो सच है, वो ऑथेंटिक है, पेपर में भी छपा है उसके बारे में, न्यूज में भी आया है। और दूसरा जो वीडियो बनाया गया था वो वंशी गार्डन के सामने बनाया गया था, जब 2 तारीख को वो स्पॉट हुआ था, गाड़ी की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है उस वीडियो में, एक वो वीडियो सही है। बाकी उसके अलावा जितने भी वीडियो फोटोज शेयर करे जा रहे हैं वो सब फेक है टोटली। पर लोग क्या है, हमारे यहाँ लगे हुए हैं कि कैसे भी करके कुछ भी न्यूज हमको जो भी मिल रही है सुनी सुनाई बातें उसको स्प्रेड कर दें और एक दहशत का माहौल बना रहे हैं। टाइगर ने अब तक किसी इंसान पर अटैक नहीं करा है, कोई उसने ऐसा क्या बोलते न किसी पे वो घुर्राया है, न किसी पे उसने हमला करा है, तो लोग उसको लेके बहुत नेगेटिव चीजें शेयर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है सबके लिए। सर कुछ नहीं है, हमसे ज्यादा काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, वो लोग दिखा के नहीं करेंगे क्या काम करने क्या नहीं कर रहे। अगर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है तो ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो टाइगर, वो उसको यहां से लेकर के जाएंगे या उसको यहां से भगाएंगे, सिटी के बीच में नहीं रहने देंगे। और जो एक जो मेन प्रॉब्लम एक और जो मैंने देखा है वो ये है कि जैसे हमारी कॉलोनी है MPPGCL की कॉलोनी है, इसमें घास फूस और बेलाएं बहुत सारी चीजें लगी हैं जहां टाइगर आराम से हाइड हो सकता है। तो जब पता है कि 1 दिसंबर से यहाँ की टाइगर का यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है, तो अब तक वो घास फूस साफ क्यों नहीं करा गया, उसे साफ करना चाहिए ना, वो तो हम लोग की सिक्योरिटी से जुड़ा मैटर है। अगर वो सब साफ रहेगा, अगर वहां कभी टाइगर आएगा तो हमें दिख जाएगा। तो एक चीज ये भी है, अगर MPPGCL वाले वो सब एरिया साफ करा दें तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे। और दूसरी चीज ये कि हमें कभी भी टाइगर दिख रहा है तो उसकी सीधे हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट को देनी है, पुलिस को देनी है, वो लोग खुद आएंगे चेक करेंगे और अपने एविडेंस ले जाएंगे, जो भी जरूरी होगा एक्शन लेंगे वहां पर। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है झूठी खबरें फैलाकर या झूठी बातें बोलकर। और दूसरी चीज ये कि जो बिना ऑथेंटिसिटी के फोटोज और वीडियो हैं, जैसे कोई भी आपके पास फोटो आ गया शेर गाय मार के खा रहा है, या कोई वीडियो आ गया शेर यहां से जा रहा है, और कुछ लोग मैंने देखा उन लोगों ने नेट पे डाल दिया कि आज रानीपुर में देखा, आज दमा रोड पे देखा, ये सब गलत है, क्राइम की श्रेणी में आता है ये सब। आप अफवाह फैला रहे हो, दहशत फैला रहे हो लोगों के दिल में एक तरीके से, वो गलत है, वो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा मैसेज आए जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हो, कोई प्रूफ नहीं हो कि ये यहीं का वीडियो यहीं का फोटो है, उस पर ट्रस्ट नहीं करें और उसको डिलीट कर दें, और जो शेयर कर रहा है उसको भी मना करें कि शेयर नहीं करें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज शेयर हो रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई अफवाह आपके ग्रुप पे शेयर हो रही है या कोई गलत मैसेज शेयर हो रहा है तो उसमें ग्रुप के एडमिन पे भी कार्रवाई होती है। इसलिए हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत चीज को रोकें, जो सही हो रहा है उसको सपोर्ट करें, डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें, जितना हम सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी ये मैटर सॉल्व होगा। अगर हम लोग कहीं भी टाइगर की लोकेशन मिल रही है वहां चले जाएंगे, वो भग जाएगा, छुप जाएगा, डिपार्टमेंट को काम करने में मुश्किल होगी और वो मिलेगा नहीं। तो हमें सपोर्ट करना जरूरी है और हमारे सपोर्ट से ये मैटर जल्दी सॉल्व हो सकता है। बाकी किसी भी तरह की कोई अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए। ऑफिशियली अभी एक शेर है हमारे यहाँ पर। और दूसरी चीज ये कि वो जो बच्चा मिला था वो बिल्ली का ही बच्चा है, आप रस्टी स्पॉटेड कैट करके नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी किसी भी बात पे ध्यान ना दें जो लोग गलत बातें कर रहे हैं, जो भी सच होगा वो मीडिया में आ जाएगा, न्यूज चैनल्स पे आ जाएगा, उस पर ट्रस्ट करिए आप, किसी की सुनी सुनाई बात पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग इस चीज में सपोर्ट करेंगे और इसको लेकर जितनी गलतफहमियां फैली हुई हैं वो सब भी हम लोगों को उनसे भी बचना है,
और उनको खत्म करना है। अगर कोई गलत मैसेज शेयर कर रहा है तो उसको रोकना है हमें। हम लोग सपोर्ट करेंगे तो काम आसानी से हो पाएगा। और इसके बाद जैसे ये टाइगर है, ये कुछ दिन में अभी या तो इसको खदेड़ देंगे या ये चला जाएगा। इसके जाने के बाद हम लोगों को करना है कि हमारा सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक बाउंड्री वॉल खड़ी करनी चाहिए जिससे पूरी सिटी एटलीस्ट MPPGCL का जो एरिया है उसको कवर कर लिया जाए। तो उससे होगा ये कि इन फ्यूचर कभी कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो वो हमारी कॉलोनियों में एंटर नहीं हो पाएगा। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जंगल के बीच में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो भी हमारे यहाँ के नेता हैं, वो सब इस मैटर पे थोड़ा ध्यान देंगे और हम लोगों की सुरक्षा को लेकर आगे काम करा जाएगा। और हम लोगों को भी अब टाइगर के लिए सपोर्ट करना है ताकि जल्द से जल्द उसका मैटर सॉल्व हो सके और हम लोग आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी न किसी के पास आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या फेसबुक पे आदिल खान नाम से आप सर्च कर लेंगे, माय ऑसम सारनी पेज है मेरा, उस पर सर्च कर लेंगे, मैं मिल जाऊंगा, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।